सैफ दीपिका पर बयान को लेकर अब कंगना रनौत ने कही एक और खरी खरी बात। नमस्कार दोस्तों, कंगना रनौत बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जो किसी ना किसी बात को लेकर, बॉलीवुड एक्टर हो या डायरेक्टर, हर किसी से उलझती रहती है। पहले उनका झगड़ा ऋतिक रोशन के साथ हुआ था, फिर करण जौहर के साथ, लेकिन अब कंगना रनौत सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण से उलझ गई है। ऐसी क्या बात हो गई कि कंगना रनौत दीपिका और सैफ से उलझ गई है, यह देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म के प्रचार में व्यस्त है। सैफ अली खान के इंडिया वाले बयान और दीपिका पादुकोण के JNU जाने को लेकर भी उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने अपना पक्ष बेबागी से रखा, हलचल मचा दी। जब उनसे पूछा कि सैफ अली खान पर आपके दिए बयान को लेकर को अलग ढंग से पेश किया गया, कंगना ने कहा, हाँ मैंने हेडलाइन पढ़ी की मैंने खरी खोटी सुना दी, मैं सैफ पर बरसी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने अपना पक्ष रखा और मैंने अपना, चीजों को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है, इसलिए सिर्फ मीडिया ही दोषी नहीं है, लोगों का टेस्ट भी ऐसा ही हो गया। दरअसल फिल्म के निर्देशक अश्विनी अय्यर तिवारी के अलावा अपने सह कलाकार जस्सी गिल, ऋचा चड्ढा और नीना गुप्ता संग अपनी आगामी फिल्म पंगा के लिए प्रचार कार्यक्रम में शामिल हुई कंगना ने कहा कि मुझे नहीं लगा कि मैंने इस मामले में कोई पंगा लिया, मुझे लगता है कि लोगों के भाव व विचारों के अपमानजनक तरीके से देखने से दूसरों को रोकने का ये एक ठीक समय, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे ख्याल से हर बार जब एक लड़की अपनी बात रखती है तो उसे आसपास के लोगों से कई सारी प्रतिक्रियाएं मिलती है, मुझे लगता है कि हमें इन्हें सहजता से लेना चाहिए। हाल ही में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने टिकटॉक पर अपनी फिल्म छपा के लुक को रिएक्ट करने का चैलेंज दिया था। तेजाब हमले जैसी गंभीर मुद्दे को असंवेदनशील अंदाज में लेने के चलते सोशल मीडिया पर दीपिका को लोगों ने खूब ट्रोल किया और कंगना ने भी इसके लिए उनकी आलोचना की। सैफ अली खान ने भी बयान दिया कि अंग्रेजों से पहले भारत की कोई अवधारणा नहीं थी, यानी भारत के अस्तित्व पर ही उन्होंने सवाल उठा दी। इस पर कंगना ने कहा था कि यह सच नहीं है, भारत वर्ष नहीं था तो महाभारत क्या था, जो 5000 पुराना महाकाव्य लिखा गया तो क्या था जो हमारे देव व्यास ने लिखा था, ये कुछ लोगों की अवधारणा है, पर श्री कृष्ण महाभारत में थे, भारत महान था, भारत वर्ष के सभी राज्यों ने मिलकर महायुद्ध लड़ा था, यूरोप के भी छोटे छोटे टुकड़े किए गए जिनकी कभी एक सामूहिक पहचान थी, जिसका कभी नाम था, इससे क्या मिला था, अब कुछ लोग कहते हैं कि भारत था ही नहीं, इसके टुकड़े होने चाहिए, लेकिन जो 3 टुकड़े किए थे उसे भी लोग अभी तक भुगत ही रहे हैं।